Good afternoon, student. Yesterday we have seen that the order of the polynomial and the classification of the polynomial. That classification of the polynomial based on the highest degree of the polynomial. So they are classified as the linear polynomial when the degree highest degree is 1. And quadratic polynomial when the degree is 2, and cubic polynomial when degree is 3. Now, question number 5 is completed. So let's start the question number 6. Question number 6, write the following polynomial in standard form in bracket descending powers. So now there are the two ways to write down the polynomials in standard form. One is in the increasing orders of their powers, and second one is in descending order of their powers. दो वे है, दो तरीके है, एक ascending powers के form में लिख सकते हैं और एक क्या है descending order के form में लिख सकते हैं. So now here already given descending powers. Write the following polynomial in the standard form, and in bracket it is given descending form. In descending form, the highest power, the term with the highest power will be written first. Now see the first question, m cube plus 3 plus 5m. The question is m cube plus 3 plus 5m. Now its answer. Now there are the total 3 terms and the highest power is 3 here. यहाँ पे highest power क्या है? 3 है. Now next term is the constant term. So here the variable will have the 0 power and the last one is the 5m. So here on the m, in the 5m the power is 1. So therefore it will be m cube plus 5m plus 3. अब देखो ये कैसे, जो क्या है सबसे बड़ा पावर क्या है m के ऊपर 3 है, फिर जो दूसरा है 5m है जो है उसके ऊपर पावर 1 है, और कांस्टेंट टर्म के ऊपर पावर क्या होता है वेरिएबल का 0. नेक्स्ट एग्जांपल y टू पावर 5 सॉरी माइनस 7 y प्लस y टू पावर 5 प्लस 3y क्यूब माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 2 वाई टू पावर 4 माइनस वाई स्क्वायर. तो दिस इज द एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन है, ये पॉलिनोमियल है. क्या दिया है? माइनस 7 वाई प्लस वाई टू पावर 5 प्लस 3 वाई क्यूब माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 2 वाई टू पावर 4 माइनस वाई स्क्वायर. तो नाउ द हाईएस्ट पावर इज 5 ईयर. तो क्या करेंगे, आंसर में डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है ना, तो हाईएस्ट पावर इज 5. तो दिस टर्म विल बी रिटन फर्स्ट, तो y टू पावर 5. आफ्टर दैट देयर इज अ वन टर्म हैविंग द पावर 4 आल्सो, तो दैट विल बी रिटन एट सेकंड प्लेस प्लस 2 y टू पावर 4. 5 के बाद क्या आएगा, बिकॉज वी आर राइटिंग इन डिसेंडिंग फॉर्म, मीन्स ग्रेटर टू स्मॉलर, ग्रेटर से स्मॉलर के साइड में लिखना है हम लोगों को. तो 5 के बाद क्या आएगा, 4. नेक्स्ट वन आफ्टर द 4 द पावर शुड बी 3. तो नाउ दिस थर्ड टर्म, सेकंड टर्म इन द क्वेश्चन, दैट इज 3y क्यूब. तो 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, तो नेक्स्ट विल बी पावर 2. तो हियर द लास्ट टर्म हैव द पावर 2, तो माइनस y स्क्वायर. एंड आफ्टर दैट द variable with power 1 will come. So now first term in the question, that is minus 7y, this have the power 1, iske par power kya hai 1, and last will be the constant term. Last kya hoga constant term, iske par kya hoga power 0 hoga.
तो माइनस वन अपॉन टू, तो ये क्या हो गया, हमारे आंसर्स हो गए। किस फॉर्म में लिखा हम लोगों ने, डिसेंडिंग पावर्स के फॉर्म में लिखा है, तो सबसे बड़ा पावर पहले आएगा, उसके बाद में उससे स्मॉलर एंड उसके बाद क्या होगा, कॉन्स्टेंट टर्म। तो नाउ द हाईएस्ट पावर इज 5, 5 है हाईएस्ट पावर, देखो ध्यान से, तो नंबर ऑफ टर्म विल बी 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऑलवेज यू रिमेंबर दैट द हाईएस्ट पावर से एक टर्म क्या होता है, ज्यादा होता है। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7, नॉट 8, क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव कंप्लीटेड, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन द कोएफिशिएंट फॉर्म। अब यहाँ पे हम लोगों को इसका कोएफिशिएंट फॉर्म लिखना है, तो नाउ से बिफोर राइटिंग द कोएफिशिएंट फॉर्म वी हैव टू राइट इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ता है। तो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज x³ - 2, x³ - 2, नाउ से द x क्यूब, आफ्टर दैट द x स्क्वायर विल कम, आफ्टर दैट x^1, द टर्म x^1 विल कम एंड देन द x^0 विल कम। तो नाउ फॉर राइटिंग इट इन टू द कोएफिशिएंट फॉर्म वी हैव टू कन्वर्ट इन टू द स्टैंडर्ड फॉर्म, तो नाउ राइट डाउन द सोल्यूशन x³ - 2, तो देयर फॉर x² नाउ द x³, नाउ स्क्वायर टर्म इज मिसिंग, तो वी विल राइट द 0 एंड x², तो 0 इंटू x² विल गिव यू द 0, तो x³ + 0x² प्लस नाउ आफ्टर द x² द ओनली x will come whose power is 1, so x to 0x and its power is 1, so it is not necessary to write the power 1 and then the constant term will come. So now see the highest power 3 and the number of terms are 4, so always kya hota hai, number of terms is always 1 greater by the its power, jo number of terms hote kya hote uske power se greater hote. Now, so therefore its coefficient form is, therefore its coefficient form is coefficient. Now see, before the x cube, there is no number. X cube के पहले कोई number दिख रहा है? तो whenever there is a no number before the any variable, तो it is always one. तो वहां पे हमेशा क्या होता है, वन होता है। तो एक्स क्यूब के पहले कोई नंबर नहीं दिख रहा है तो क्या होगा, वन। नाउ सी बिफोर द एक्स स्क्वायर, तो देयर इज जीरो, यहाँ पे क्या है, जीरो प्रेजेंट है, कॉमा एंड द कोएफिशिएंट आर द सेपरेटेड बाय द कॉमा व्हाइल राइटिंग इन ब्रैकेट। नाउ द नेक्स्ट टर्म बिफोर द एक्स देयर इज जीरो एंड द लास्ट टर्म -2, तो दिस इज द कोएफिशिएंट फॉर्म। Now see the second question is 5y, क्या है 5y, now see here the highest power is 1, highest power कितना है 1 है, तो constant term is missing, यहाँ पे क्या miss हो रहा है, constant term miss हो रहा है, तो now 5y, तो therefore 5y plus 0, now its coefficient form, its coefficient form is 5, 0, ये हो गया इसका कोएफिशिएंट फॉर्म। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2m² - 4 -3m² + 7, ओके नाउ इट्स सॉल्यूशन, नाउ सी द 2m² (2m^4 - 3m²+7). Now here the two terms are missing, the cube, m cube is missing and m^1
that term is missing. So now therefore 2m to power 4 plus 0 m to power 3 minus 3 m square plus 0 m plus 7. Okay, now this is in its standard form. Now write down its coefficient form. Its coefficient form is, now before the m to power 4 there is 2, so 2, before m cube there is 0, before m square minus 3, before m 0, and last one is 7. So this is the coefficient form of the given expression, where the highest power is 4. So therefore its coefficient form will have the one more terms, ek jyada terms hoga, or vice versa, uska opposite jo hai, if the number of terms are 6 then the highest power will be 5. So dono cheeze yaad rakhna hai ki highest power agar 5 hai to kya hoga, number of terms 6, aur agar uska ulta agar kya hai 6 total coefficient hai to highest power will be 5. Now the next one, next example, example number 4, minus 2 upon 3. Now see, this is the constant term, and constant term ke upar kya hoga, uska jo degree hoga variable ka wo 0 hoga. So now uske baad mein kya hai, koi dusra term miss nahi hota hai, rehta hi nahi constant term ke baad. To kya ho jayega, the coefficient form will be same. So its coefficient, its coefficient form is, इसका जो coefficient form है minus 2 upon 3 है, क्या है minus 2 upon 3. It's clear now. Now the next question is write the polynomial in that x form. Or yes, here I am giving the two question as a homework to write in the index form, coefficient form में लिखने के लिए. Okay, index form. Index form is already given. You have to convert into the its coefficient form. Now, 4 m to power 7 minus 3 m square plus m plus 7. This is the first one. Now, second question. 10 p square, 10 p square, now 10 p to power 5, 10 p to power 5 plus 2 p plus 3 p square minus 4. Third one, these three questions are homework. ये homework में आपको क्या करना है, coefficient form में लिखना है. Next one, minus 10 p square plus 7 p to power 8 plus 4 p cube plus 7. ये तीनों क्वेश्चन के क्या करने हैं, हम लोगों को coefficient form में लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द पॉलीनोमियल इन इंडेक्स फॉर्म. अब क्या है, जो हम लोगों ने यहाँ किया उसका क्या है, उल्टा हम लोगों को करना है क्वेश्चन में. तो क्या होगा, देखो क्वेश्चन नंबर 8, राइट द पॉलीनोमियल्स इन द इंडेक्स फॉर्म. इसको इंडेक्स फॉर्म में लिखना है. ओके, इंडेक्स फॉर्म मीन्स इन द फॉर्म ऑफ द पावर, पावर के फॉर्म में मेंशन करना है इसको. तो देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 1, 2, 3. तो नाउ द नंबर ऑफ द कोएफिशिएंट्स आर 3, तो देयरफॉर डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल विल बी 3 - 1 = 2. एनी ईयर द वेरिएबल इज नॉट गिवन, so you are free to take any one of the letter from a to z as a variable. तो इसमें से कोई भी एक letter क्या कर सकते हो, variable consider कर सकते हो a to z तक.
और जनरली कौन सा लेटर आप सेलेक्ट करते हो, एक्स और वाई, एम और एन, पी और क्यू, ये तीन लेटर क्या है एकदम कॉमन है अलजेब्रा में, मैथ्स वन में। अब देखो क्या है इसका सॉल्यूशन, सॉल्यूशन 1, 2, 3 द नंबर ऑफ कोएफिशिएंट, द नंबर ऑफ कोएफिशिएंट इज इक्वल्स टू 3, द नंबर ऑफ कोएफिशिएंट्स इज इक्वल्स टू 3, तो देयरफॉर द डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल, द डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल इज इक्वल्स टू 3 - 1 इज इक्वल्स टू 2। अभी इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा है, देखो फिर से ये क्वेश्चन देखो, फर्स्ट वन, राइट द फॉलोइंग पॉलीनोमियल इन कोएफिशिएंट फॉर्म, तो क्या दिख रहा है, x³ - 2, जब उसका तुमने कोएफिशिएंट फॉर्म लिखा, देन 1, 2, 3, 4 टोटल कितने नंबर्स मिल रहे, 4, हाईएस्ट पावर 3 है तो कोएफिशिएंट कितने हैं 4, तो इसका जब हम लोग क्या करेंगे, कोएफिशिएंट टू इंडेक्स फॉर्म लिखेंगे, देन वी हैव टू डिक्रीज 1 फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ द कोएफिशिएंट, टोटल नंबर ऑफ कोएफिशिएंट से क्या करना है, डिक्रीज करना है 1। तो देयरफॉर वी हैव रिटन द डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल इज इक्वल्स टू 3 - 1, तो हियर इट विल बी 2। नाउ वी हैव टू यूज द वेरिएबल, सपोज आई एम यूजिंग द वेरिएबल y, नाउ द हाईएस्ट पावर विल बी 2, तो y² तो नेक्स्ट नंबर विल बी y² के बाद में y^1 आएगा, एंड देन कांस्टेंट टर्म विल कम, तो कांस्टेंट टर्म विल कम, नाउ बिफोर द y² देयर इज 1, एंड बिफोर द y^2 2, एंड लास्ट नंबर इज 3, ठीक है। नाउ जनरली 1 इज नॉट शोन इन द एक्सप्रेशन, तो दैट्स व्हाई इन नेक्स्ट स्टेप वी विल नॉट राइट द 1 एज अ कोएफिशिएंट, वी विल ओनली राइट द y² + 2y, एंड द पावर 1 इज ऑल्सो नॉट शोन इन द एक्सप्रेशन, तो y^1 विल नॉट बी रिटन, ओनली y विल बी रिटन, तो 2y + 3, तो दिस इज योर इंडेक्स फॉर्म, ये हो गया आपका इंडेक्स फॉर्म। नाउ राइट डाउन द आंसर, y² + 2y + 3 जो कोएफिशिएंट है वो क्या करना है, वेरिएबल के बिफोर पुट करना है, रखना है हम लोगों को। नाउ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट एग्जांपल 5, 0, -1, ओके, जो कोएफिशिएंट्स हैं 5, 0, -1, ये है तुम्हारे कोएफिशिएंट, ओके। अब क्या करना है हम लोगों को, इसका इंडेक्स फॉर्म प्रिपेयर करना है। नाउ सी द सॉल्यूशन, 5, 0, -1, द नंबर ऑफ द कोएफिशिएंट इज इक्वल्स टू 5, तो देयरफॉर द डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल विल बी 4, एक कम होगा उसका डिग्री। द नंबर ऑफ कोएफिशिएंट इज इक्वल्स टू 5, तो देयरफॉर डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल इज इक्वल्स टू 5 - 1 इज इक्वल्स टू 4। अगेन हियर इट इज नॉट मेंशन दैट विच वेरिएबल यू हैव टू टेक, तो यू आर फ्री हियर टू टेक एनी वन ऑफ द वेरिएबल फ्रॉम ए टू जेड। नाउ आई एम यूजिंग द वेरिएबल m, नाउ m^4, now yes I am writing only the variable with their index, उसके index के साथ लिख रहा हूँ, okay, और उसके बाद में जो है जो उसके coefficient है वो मैं put करूँगा उस variable के पहले, तो now index highest degree क्या है इसकी 4 है, तो m^4 will come, next number will be m^3, m^2, next only m means m^1, then the constant term will come. Now let's substitute the coefficient. Now first coefficient is 5 and it is positive, so this will be 5m^4. Next coefficient is also positive, so now in between these two terms we have to place the positive sign. वहाँ पे क्या रखना है? Plus की sign रखना है. So now 5m^4 plus m³. Now the coefficient is 0, so before the m³ we have to write down the 0. Next coefficient is also 0, so 0m² plus again next coefficient is 0 because there are the 3 0 1 2 3,
and last coefficient is minus 1, and this is the constant term. Now we know that when we multiply 0 into m cube, we will get the 0. So now the second, third and fourth term will become 0. So finally you will get 5m to power 4 minus 1, because these three, 0m cube, 0m square, 0m, ये क्या हो जाएंगे, जीरो बन जाएंगे. फाइनली जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर को तो क्या मिलता है हमको, जीरो आंसर मिलता. दैट्स व्हाई नाउ राइट डाउन द आंसर, 5m टू पावर 4 माइनस 1. नाउ द सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री इज माइनस 2 कॉमा 2 कॉमा माइनस 2 कॉमा 2. नाउ हियर देयर आर द टोटल 4 कोएफिशिएंट. यहाँ पे कितने कोएफिशिएंट है, 4 है, तो दैट्स व्हाई इट्स डिग्री विल बी 3. इसकी डिग्री 3 होगी. माइनस 2 कॉमा 2 कॉमा माइनस 2 कॉमा 2, द नंबर ऑफ कोएफिशिएंट, द नंबर ऑफ कोएफिशिएंट इज इक्वल्स टू 4. सो देयरफॉर degree of polynomial is equals to 4 minus 1 is equals to 3. Now here the variable is not given, so you are free to take any one of the variables. So here we have used y, here we have used the m, now here we will use the x. So now first you have to write down the variable with their powers or index in decreasing order of their powers. Now the highest power is 3, x to power 3 means x cube, then x square will come, then x will come, then the constant term will come. Now see the first coefficient, it is negative, so kya ho jayega, x cube ke pehle kya aayega, minus 2. Next coefficient is positive, so in between the first and second term there will be positive sign, wahan pe plus ki sign hogi, and next jo hai अगेन x स्क्वायर के पहले क्या है, पॉजिटिव 2 है, तो दोनों के बिटवीन क्या आएगा, प्लस की साइन. नेक्स्ट कोएफिशिएंट इज नेगेटिव, तो माइनस 2 विल कम बिफोर द x, बिकॉज कोएफिशिएंट इज नेगेटिव, तो यू हैव टू राइट डाउन द नेगेटिव साइन आल्सो. एंड द लास्ट नंबर इज 2, एंड दैट लास्ट नंबर इज नथिंग बट द कांस्टेंट टर्म. इट्स क्लियर नाउ स्टूडेंट्स कि हाउ टू राइट the given coefficient into the index form and how to convert the index form into the coefficient form. सभी को समझ में आया होगा? किसी को डाउट्स है? Is anybody having doubt? Apsara, Sharad, Ansari, Rizwan, Kasim, Mani. सभी को समझ में आ गया कैसे ये करना है, कैसे कन्वर्ट करना है? बिकॉज इन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट वी नीड द कन्वर्जन ऑफ द कोएफिशिएंट फॉर्म इनटू द इंडेक्स फॉर्म. We have to divide the given polynomial by the synthetic division method. In that also, we should be able to convert the given coefficient into the index form, or index form into the coefficient form. जो ये इस टाइप के डिवीजन है, सिंथेटिक डिवीजन, उसमें हम लोगों को क्या करना पड़ता है, ऐसे ही फाइंड आउट करना पड़ता है. तो इसलिए क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है कि आप लोगों को ये आना ही चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, उस डिवीजन में प्रॉब्लम आएगा. नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, राइट द एप्रोप्रिएट पॉलीनोमियल इन द बॉक्सेस. राइट द एप्रोप्रिएट पॉलीनोमियल इन द बॉक्सेस. नाउ सी द क्लासिफिकेशन ऑफ द polynomials to be done here. Now one side, the quadratic polynomial, cubic polynomial and linear polynomial is given, and on other side the binomial, trinomial and monomial is given.
Now we know that if in the expression only one term is present, then that expression is called the monomial, and if there are the two terms, then it is called as the binomial, and if the three terms are present, then it is called as the trinomial. And when the highest power is one, then it will be called as the linear polynomial. If the highest power is two, then it will be called as the cubic quadratic, and if the power is three, then it is called as the cubic polynomial. So in this way we have to classify into the this six categories. One is based on the number of terms, and second is based on the number of highest power on the degree of the polynomial. Now see the binomial. First one, x plus 7. So x plus 7 जो है ये क्या है? Binomial है ना? इसमें दो term present है. Next expression x square. अब ये कैसे समझोगे कि अलग अलग है? Comma से समझ में आएगा कि ये expression अलग है और ये expression अलग है. तो x plus 7 there are the two term. After that there is a comma. Now then x square. So here in x square there is only one term. So x square will come in the monomial, and the next one is the x cube. क्या है? X cube plus x square plus x plus 5. So here there are the four terms. Four terms है. तो ये इसमें नहीं आएगा. Trinomial में तीन ही terms होते हैं. 2x square plus 5x plus 10. इसमें कितने term दिखाई दे रहे? 3. तो this will come under the trinomial 2x square plus 5x plus 10. And next one x cube plus 9, there are the two term, so x cube plus 9 will come under the binomial. And इसके बाद जो है क्या दिखाई दे रहा है आपको? 3x square plus 5x, तो इसमें भी क्या present है? दो term present है. दो term present है तो क्या होगा? ये binomial होगा, 3x square plus 5x. It's clear now. अब इसके बाद में यहाँ जो classification हम लोगों को करना है next इस side में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब जिस पे हाईएस्ट पावर टू हो. तो दिस इज द क्वाड्रेटिक वन. नेक्स्ट देखो यहाँ पे हाईएस्ट पावर थ्री है, तो दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक. इन दिस एक्सप्रेशन द हाईएस्ट पावर इज टू, तो टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10. अब यहाँ पे जो लास्ट वाला है, लास्ट वन, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस 5x. तो ये द हाईएस्ट डिग्री इज टू, तो इसलिए वो क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. नाउ क्यूबिक पॉलिनोमियल. क्यूबिक में हाईएस्ट पावर कितना होगा? 3. तो एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 5 एंड लीनियर. लीनियर में हाईएस्ट पावर कितना है? 1. तो एक्स प्लस 7. ये आ गया आपका लीनियर पॉलिनोमियल में. तो इस तरह से हम लोगों को क्या करना था? क्लासीफाई करना था. ओके स्टूडेंट, नाउ आई एम एंडिंग द मीटिंग.